हेलो गाइस, मेरा नाम है मनीषा। लास्ट वीडियोस में हमने देखा कि अकाउंट्स के कितने टाइप होते हैं और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए, हम सबको पता है कि हर एक ट्रांजैक्शन, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है, उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। फर्स्ट एस्पेक्ट इज़ डेबिट एंड सेकेंड एस्पेक्ट इज़ क्रेडिट। लाइक हम कह रहे हैं कि किसी से हमने कुछ लेना है या किसी को कुछ देना है, ठीक है, तो उसमें भी दो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, एक पर्सन जिसने लेना है और एक पर्सन जिसने देना है। पर प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, हमको ये नहीं पता कि डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किस चीज़ को करना है। तो उसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स है अकाउंटिंग के। फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट का रूल। पर्सनल अकाउंट तो अब आप सबको पता ही है कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी कि पर्सनल अकाउंट में पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसमें जो पर्सन रिसीव करता है उसको हम डेबिट करते हैं और जो पर्सन गिव करता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट भी आप सबको पता है क्या होता है। रियल अकाउंट है जो रियल थिंग्स से रिलेटेड होता है, थिंग्स आती हैं इसमें। तो इसमें क्या है कि कुछ चीज़ें आती हैं और कुछ चीज़ें जाती हैं। सो जो चीज़ आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ आ रही है उसको हम डेबिट करेंगे एंड जो चीज़ जा रही है उसको हम क्रेडिट करेंगे। यानी कि रूल क्या है इसका, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लास्ट इज़ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में कि नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेंस आ जाते हैं। सो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है डेबिट एंड क्रेडिट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं और जितने भी हमारे लॉसेस हैं उन सबको हम डेबिट कर देंगे और जितने भी हमारे इनकम्स हैं, जितने भी हमारे गेंस हैं उन सबको हम क्रेडिट कर देंगे।